स्वागत है मित्रों आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार आप सभी को। आज हम बात करेंगे अपने इस वीडियो में आपके डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर से, चौथे सेमेस्टर से जो आपका विज्ञान है, साइंस है, और इसमें हमारा एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी। इसके एक लेक्चर के बारे में, लेक्चर नंबर वन के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपके आपको 1 से 30 तत्वों के बारे में बताया था। मेंडलीव का थोड़ा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था मेंडलीव की आवर्त सारणी को लेकर के। यहाँ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी, डॉबर्नियर का त्रिक नियम क्या है, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, इन सभी के बारे में इस हम वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों जब आप बात करते हो आवर्त सारणी के बारे में, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो यही होती है कि आवर्त सारणी आपका है क्या, तो वो आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। आप करते क्या हो, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जो आपको प्रकृति में देखने को मिलते हैं, आप उन्हें एक क्रम में, एक सीक्वेंस में, अब उसमें परमाणु क्रमांक के हिसाब से रखते हो, परमाणु भार के हिसाब से रखते हो, ये दोनों क्या है अभी हम बताए दे रहे हैं, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। मतलब इन्होंने जैसे आपका मेंडलीव ने कैसे रखा, डॉबर्नियर महोदय ने कैसे रखा, न्यूलैंड ने कैसे रखा, जब आप मोजले के आधुनिक आवर्त नियम के बारे में बात करते हो तो उन्होंने कैसे रखा उन तत्वों को, जिससे कि उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि जो भौतिक गुण है और जो रासायनिक गुण है, उनका आसानी से अध्ययन किया जा सके। आप क्या करते हो कि आपका जैसे एक रिज़ल्ट आता है, आपने अपना रिज़ल्ट देखा है, यहाँ सब्जेक्ट ऐसे रखे हुए होते हैं, आपके 8 सब्जेक्ट मान लीजिए लिखे हुए हैं, ऐसे में आपके मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेंड मार्क्स कितने हैं इंटरनल एक्सटर्नल, तो आपको बहुत ईजी रहता है कि आप एक ही टेबल में उन सारे जो मार्क्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स आप इजीली स्टडी कर सको। ऐसे ही उन सारे तत्वों को एक टेबल में रख दिया जाता है और उनकी फिर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी का हम अध्ययन करते हैं। यही है आपका पीरियोडिक टेबल, इसीलिए हम ये पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, यही आवर्त सारणी का आपका जो है कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर जब हम मेंडलीव के आवर्त नियम की बात करते हैं, तो मेंडलीव ने जो अपना एक अपना लॉ दिया, यानी कि मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, इन्होंने कहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। इन्होंने परमाणु भार को बेस माना। आपको मैं बता दूं पहले कि परमाणु भार क्या है, जब आप बात करते हो, जैसे मान लीजिए कोई ये तत्व तो एक्स है, ये ए लिखा मैंने और ये बी लिखा, ये एक्स क्या है, वो एलिमेंट है, कुछ भी मान लो, जैसे मान लो आप ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो ए लिखा हुआ है ये है उसका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, और जो यहाँ पर बी लिखा हुआ है ये होता है उसका परमाणु भार, ठीक है, और इसी परमाणु भार को परमाणु द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या भी बोलते हो। भार ऐसे, जैसे कि मान लीजिए ये एक्स तत्व है, इसके ऊपर बी रखा हुआ है, तो ये भार जैसा ही तो है जैसे सर पे कोई चीज़ रखी हो आपके, ठीक है, आपके सिर पर कोई चीज़ रखी हो, बिल्कुल वैसे ही। तो परमाणु भार ऊपर होता है, परमाणु क्रमांक नीचे होता है। इन्होंने जो अपना वर्गीकरण किया, जो भी बताया, किसने, मेंडलीव ने, उन्होंने परमाणु भार के हिसाब से, मतलब इसके आधार पर सारी चीज़ों का वर्गीकरण किया, तत्वों को इनके आधार पर आवर्त सारणी में सजाया। आशा करते हैं इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर उनके भौतिक और रासायनिक गुण उनके, अब इसका मतलब क्या है भाई, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, लिखा है अर्थात आवर्त सारणी ब्रैकेट में पीटी यानी पीरियोडिक टेबल, कहीं पीटी लिखा हो तो समझ जाइएगा कि वो आवर्त सारणी की बात की जा रही है। अर्थात आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भार, देखिएगा जैसे 1, 2, 3 बढ़ते परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है, तो समान गुणों वाले तत्वों में एक प्रकार की आवृत्ति मिल जाती है और कुछ विशिष्ट गुणों के की समय समय पर पुनरावृत्ति होती है। ये कह रहे हैं मैंने रखा 2, फिर 3, फिर 4, तो होता ये है जिन तत्वों के गुण समान होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, उनकी आवृत्ति मिल जाती है, आवृत्ति मतलब रिपीटेशन, बार बार होना, पुनरावृत्ति, और ऐसे में कुछ विशिष्ट गुण, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी भी उनकी हमको देखने को मिल जाती है। जैसे हम सजा रहे होते हैं, जैसे आप क्या करते हो क्लास में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अटेंडेंस वाली बात, बच्चों के जो नाम लिखे जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर इन्होंने परमाणु भार के हिसाब से सजाया और इन्होंने बोला कि भाई देखो आवृत्ति कुछ तत्वों की हो रही है, उनके गुण जो है, गुणधर्म जो है, वो एक जैसे मिल रहे हैं, ओके, और इसे ही मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। आशा करते हैं बहुत ही सिंपल सा था आपका, जब आवर्त नियम की बात करते हो, मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है, इन्होंने क्या किया, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, इसी को बोलते हैं परमाणु भार या द्रव्यमान, आप संख्या बोल दो, वह तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म में संबंध। मेंडलीव की आवर्त सारणी में परमाणु भार को माना गया है मेन, या द्रव्यमान संख्या को, और उसके हिसाब से तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में हम अध्ययन करते हैं।
उनके काल में उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, अभी आपके लगभग 118 हैं। कितने हैं? 118 तत्व अभी हैं। उस समय 63 एलिमेंट्स थे जो ज्ञात थे जब मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी दी थी। कुछ विशेषताएं हैं इनकी आवर्त सारणी के। प्रत्येक आवर्त, ध्यान दीजिएगा, जब कोई बोले पीरियड आवर्त को लेकर के, आवर्त आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, एक क्षैतिज रेखा होती है। क्या होती है? ये वाली लाइन जिसको आप रो कहकर बोलते हो। लिखा है मे तत्व अपने बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित है, क्योंकि इन्होंने परमाणु भार को ही माना है, बढ़ते परमाणु भार। दूसरा लिखा एक ही समूह या वर्ग, ध्यान दीजिएगा, जो अब देखो दो चीज़ें होती हैं आप आवर्त की जब बात करते हो। एक तो जब आप टेबल में बात करते हो तो ये आपका रो हो गया और ये आपके कॉलम होते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, बस नाम बदल दिया है। इन्होंने जो रो था उसको आवर्त कह दिया है और ये जो खड़ी रेखाएं हैं ना ऐसे, ये इनको समूह या वर्ग बोल दिया है। आपको बस यही ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, कि आवर्त आपका जो ऐसी पड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे आपकी क्षैतिज रेखाएं, और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं ये आपकी क्या होती हैं समूह या वर्ग कहलाती हैं, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और लिखा है कि सभी तत्वों के गुण समान होते हैं। अब इसमें तत्वों के, जैसे मान लीजिए इसमें एक आया, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, इसमें जितने भी तत्व होंगे उनके आपस में गुण क्या होंगे? समान होंगे, यही कहा गया है। ठीक है, प्रत्येक श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्व, बाएं से दाएं जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता है या ऋण विद्युत संयोजकता जो है वो कम होती जाती है, जबकि धन विद्युत संयोजकता बढ़ती जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसीलिए देखिए पेन ब्लैक पेन से मैंने थोड़ा लिख दिया है इसको। ठीक है, तत्वों का परमाणु भार उनका मौलिक गुण है। ये कहते हैं कि अगर मौलिक उनके गुणों के बारे में जानना है, किसके, तत्वों के, कौन से गुण, भौतिक या रासायनिक गुण, तो भैया उनका परमाणु भार के हिसाब से ही आप उनको रखो, अकॉर्डिंगली आप उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को जान पाओगे। लिखा है सारणी में किसी भी तत्व के अनुसार, के स्थान के अनुसार, स्थानानुसार कर लीजिएगा, स्थानानुसार उसके गुणों को बताया जा सकता है। समझ रहे हो आप, सारणी में किसी भी तत्व के स्थान के अनुसार आप उनके गुणों को, उनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बता सकते हो। फिर क्या हुआ, 1913 की बात है, इन्होंने अपने एक संशोधित आवर्त सारणी दी। किसने दी? मेंडलीफ ने एक संशोधित आवर्त सारणी दी जो कि बेस्ड थी किस पर? परमाणु क्रमांक पर। पहले वाली जो बेस्ड थी वो परमाणु भार पर थी आपकी, एंड आफ्टर दैट जो आया वो आपका परमाणु क्रमांक पे आया। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 109 तत्वों के गुणों का अध्ययन, अभी 118 है लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया है, 109 तत्वों के अध्ययन को जो है वहाँ पर महत्ता दी। और जो इनका आधुनिक आवर्त सारणी है, आधुनिक आवर्त या संशोधित आवर्त नियम जो है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं डॉबरनियर के त्रिक नियम के बारे में। अब हम आपका यहाँ से जो सवाल है बहुत कम बनता है ऐसे, उसमें जब आप देखते हो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठा करके देखोगे, लेकिन सीधा सीधा आपसे पूछ सकता है कि त्रिक नियम या ट्रायड्स लॉ किसके द्वारा दिया गया है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्हीं का ये पूरा नियम है, ये जो लाइन लिखी हुई है आपको, आपकी जो है 3.5 लाइन, यही आपका डॉबरनियर का त्रिक नियम है। चलिए समझ लेते हैं क्या लिखा है। लिखा है जब समान गुण वाले तीन तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो बीच के तत्व का परमाणु भार पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार के योगफल का आधा होता है। अब ये समझिए क्या है, सबसे पहली चीज़ आपको ये जानना है कि इन्होंने भी जो तत्वों का वर्गीकरण किया परमाणु भार के हिसाब से किया, परमाणु क्रमांक के हिसाब से नहीं किया है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा दूसरी चीज़, कि अगर तीन तत्व हैं, कोई भी तीन तत्व, अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, नीचे हमारे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, कोई भी तीन तत्व हैं उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में अगर आप उन्हें रख रहे हो तो ऐसे में बीच के तत्व का जो एटॉमिक वेट होगा, जो परमाणु भार होगा, वो पहले और तीसरे, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा उसके योगफल का आधा होता है। मतलब आप माध्य निकाल लेते हो वहाँ पे। देखते हैं भाई कैसे, चूंकि इस प्रकार के त्रिवर्ग वाले तत्व बहुत कम हैं अतः संपूर्ण तत्वों का विभाजन संभव नहीं हो सका, इसीलिए डॉबरनियर का जो त्रिक नियम है वो फेल हो गया आवर्त सारणी को या इस नियम को बताने को लेकर के, चूंकि सभी त्रिवर्ग वाले तत्व मिलते हैं नहीं, जैसे कुछ तत्व दिए हुए हैं यहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है तत्वों के त्रिक समूह व उनके परमाणु भार, तीन तीन समूह लिखे हैं तत्वों के, आप देख पा रहे होंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये क्या है आपका, लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है,
ओके, इनके तीन तीन क्रम लिखे हुए हैं और उनके परमाणु भार नीचे लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, परमाणु क्रमांक नहीं है, परमाणु भार लिखा है। जैसे लिथियम का 7 है, ऐसे तो हाइड्रोजन लिथियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 3, तो आप 3Li7 ऐसे लिखते हो, ये परमाणु क्रमांक हो गया और ये परमाणु भार हो गया। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, आप आगे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, आप ऐसे बढ़ते आगे चले जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला कि भाई ये तीन तत्व हैं आपके, इनमें से इन्होंने कहा जो पहले और दूसरे को जब हम जोड़ करके उसका आधा करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, यही कहा गया है ऊपर वाली लाइन में। देखिए जरा 7+39, यही लिखा हुआ कि पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का जो माध्य होगा 7+39/2=23, ये सोडियम का देखिए आ गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये त्रिवर्ग वाला एक तत्व ले लिया और इसमें जो है क्लोरीन का जो होता है, क्लोरीन का 17 है परमाणु क्रमांक, ध्यान दीजिएगा 17 Cl 35.5 के आसपास। आपको मैं बता दूं, जो परमाणु भार होता है वो परमाणु क्रमांक का लगभग दोगुना होता है, अगर आपको ये चीज़ ना पता हो तो जान लीजिए, ठीक है। देखिए 17 × 2=34 और 1 × 35.5, लगभग दोगुना मैंने बोला। जैसे लिथियम का था तो 3×6, सीधा सीधा आपको 6 मिल गया और एक साथ आपका लगभग आपको उतने देखने को मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन का क्या लिखते हो आप, 1H2 करके क्या लिखते हो, ठीक है, तो लगभग दोगुना देखने को मिलेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिखा हुआ है। आपने क्या किया, मैंने कहा फर्स्ट और थर्ड इन दोनों को जब आप जोड़ोगे, इनका आधा करोगे तो ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर वही किया गया है, 35.5 + 127/2, ये 81.25, लगभग वही आपका ब्रोमीन आ रहा है, ठीक है। तो ये तत्व ऐसे ही जब आप देखोगे, कैल्शियम तत्व, कैल्शियम का है, स्ट्रांसियम, SR स्ट्रांसियम का होता है और एक आपका बेरियम होता है, इनके साथ में भी कुछ ऐसा ही संबंध आपको देखने को मिलेगा। चूँकि बहुत ही कम तत्वों में ये त्रिक समूह देखने को मिलता है, इसीलिए इनका ये जो सिद्धांत था, ये जो चीज़ें थी, त्रिक जो नियम था, वो फेल हो गया डॉबर्नियर का। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में बात करते हैं, यानी कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ। ऑक्टेव लॉ क्या है इनका, 1884 में रसायन शास्त्री थे जॉन न्यूलैंड करके इनका नाम था, इन्होंने क्या कहा, जरा इनका देखिएगा, ये जो डबल कोट्स में लिखा हुआ है, यही इनका नियम है। इन्होंने कहा यदि तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा जाए तो किसी तत्व से 7 तत्व छोड़कर, बहुत ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा, किसी तत्व से 7 तत्व छोड़कर 8वां तत्व पहले तत्व के गुणों से समानता रखता है। आप समझ रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई एक तत्व यहाँ पे है, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 छोड़ दो, उसके बाद जो 8वां तत्व होगा, इसका जो गुण होगा, ये पहले वाले तत्व के गुण से समानता रख रहा होगा। एक जैसे गुण होंगे, कैसे गुण, भौतिक और रासायनिक गुण, यही है अष्टक नियम। आप समझ रहे हो, यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है। उदाहरण देखते हैं कुछ इसमें, यहां पर जैसे लिखा हुआ है आपका लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम कितना होता है, 3 होता है, और आप जब यहाँ पर बात करते हो, देखिए सोडियम लिखा हुआ है ना, सोडियम का आपका कितना आता है, 11 आता है, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और फिर 11, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 गैप मिला बीच में, उन्होंने एक आता ना 7 जगह छोड़ करके, फिर जो 8वां होगा, यानी सोडियम का और जो लिथियम का, ये लिथियम है, ये जो सोडियम है, इनके जो गुण होंगे वो आपस में समान होंगे। ऐसे ही सोडियम और पोटेशियम के गुण समान होंगे आप बात करोगे, और इसी प्रकार से बेरिलियम मैग्नीशियम का और कैल्शियम का, इसी प्रकार से जब आप बात करते हो कार्बन सिलिकॉन का, इसी प्रकार से यहाँ पर नाइट्रोजन फॉस्फोरस लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन सल्फर लिखा हुआ है, इन सभी के गुणों में क्या है, समानता पाई जाती है। यही है तत्वों का अष्टक नियम। दोस्तों अगर आप लोगों को ज्ञात ना हो तो मैं बता दूं, यूपीटेट सीटेट की जब आप बात करते हो, फुल सिलेबस, वन लाइनर, बुलेट रिवीजन वाले जितने बुलेट वन लाइनर, सभी कुछ आपका थर्ड फोर्थ सेमेस्टर के सभी आपके सभी प्रकार के सवाल की जो पीडीएफ फाइल है, उसके लिए आप मुझे 8081743734 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर एंड्रॉयड एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी का, वहाँ से जाकर के आप पीडीएफ फाइल्स को ऑनलाइन जैसे शॉपिंग करते हो बिल्कुल वैसे ही वहाँ से लेकर के आप पीडीएफ फाइल्स को पढ़ सकते हो। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीडीएफ फाइल्स तैयार की गई हैं,
तो एक बार आप ज़रूर चेक करें वहाँ पे जा करके। कोई समस्या होती है तो मुझे 8081 74 37 34 पर आप लिख सकते हो। दोस्तों ये था आपका, जब बात करते हो मेंडेलीफ की आवर्त सारणी, डॉबरडियर का त्रिक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम, इसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो है तत्वों की आधुनिक आवर्त सारणी। तत्वों की जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये क्या होती है, इसमें हमारा SPDF में कैसे वर्गीकरण करते हो, मोजले का आधुनिक आवर्त नियम क्या है, उन सभी के बारे में जो अगला वीडियो है वो हमारा आएगा। और पूरी कोशिश रहेगी इसके बाद खनिज और जो धातु, खनिज और अयस्क वाला जो हमारा चैप्टर है वो हम बात करेंगे। खनिज अयस्क से आपका बहुत सवाल पूछा जाता है, इस चैप्टर से बहुत सारे सवाल आते हैं। होप सो आज से कल तक में पूरी कोशिश है कि आपका विज्ञान कंप्लीट कर दिया जाए, और उसके बाद हम बढ़ेंगे आपकी मैथ्स की तरफ, जो गणित सब्जेक्ट है आपका चौथे सेमेस्टर का, उसकी तरफ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, सहपाठियों के साथ में। हम हाजिर होते हैं जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।